Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of Python programming and today is day 6. आज हम लोग दो टॉपिक्स कवर करेंगे. पहले हम लोग पढ़ेंगे लिटरल्स और उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स. इस वीडियो में हम लोग लिटरल्स कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो अगेन गाइज, लिटरल्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ना पड़ता है. इट्स अ कॉमन कॉन्सेप्ट. मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूँ और फिर हम उसको डिटेल में देख लेंगे. So literal is basically raw data given to a variable. In Python there are four different literals: numeric literal, string literal, boolean literal and special literal. So अगर आपने कभी भी कोई variable बनाया है और आपने variable को अगर value दी है तो वो जो value आप देते हो उसी को literal बोला जाता है. अब Python में आप वो values अलग अलग तरीके से दे सकते हो और उसके चार types होते हैं. ठीक है, सो न्यूमेरिक लिटरल्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रिंग लिटरल, उसके बाद बूलियन और सबसे लास्ट में स्पेशल लिटरल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ न्यूमेरिक लिटरल. सो पाइथन में आपके पास तीन न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स होते हैं. सो इंटीजर होता है, फ्लोट होता है और कॉम्प्लेक्स होता है. इन तीनों में आप अलग अलग तरीके से वैल्यूज दे सकते हो. जैसे कि अभी तक जो आपने सबसे सिंपल तरीका सीखा था वो ये था, जहां पे हमने लिखा है बी इक्वल टू 100. ये हमने कई बार यूज किया है, राइट. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप एक डेसिमल लिटरल दे रहे हो एक वेरिएबल को. तो b इज इक्वल टू 100 का मतलब है कि b के अंदर 100 स्टोर करो. बट अगर आप चाहो तो रादर देन डेसिमल आप दूसरे टाइप से भी लिटरल्स सेट कर सकते हो. जैसे कि अगर आपको बाइनरी में चीजें फीड करनी है तो आप ये सिंटेक्स यूज कर सकते हो, 0 b और b के आगे आपका बाइनरी पैटर्न. यहाँ पे मैंने 1010 रखा है. तो इससे क्या होगा कि इंटरनली आप बाइनरी प्रोवाइड कर रहे हो एक वेरिएबल को, बट इंटरनली जब आप उसको प्रिंट करोगे तो आपको डेसिमल ही प्रिंट करके देगा. ठीक है, तो ये कभी कभी काम आता है. अगर आपने कभी रास्पबेरी पाई, एक बोर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, अगर आप उसके ऊपर काम करोगे, वहां पे आप पिंस को कंट्रोल करते हो, तो पिंस को कंट्रोल करने के लिए आप 1 और 0 का पैटर्न भेजते हो, तो वहां पे आप इस तरह से इनिशियलाइजेशन करते हो अपने पोर्ट्स का उस बोर्ड के ऊपर. ठीक है, तो वहां पे यूज होता है जनरली हमारी प्रोग्रामिंग, जहां पे हम वेबसाइट्स बनाते हैं और एंड्रॉइड एप्स बनाते हैं, इस तरह की जगह पे ये टेक्निक उतना यूज नहीं होता, बट पाइथन आपको ये फीचर देता है. ठीक है, बाइनरी की तरह आप हेक्साडेसिमल भी यूज कर सकते हो यूजिंग 0x. 0x सिग्निफाई करता है कि इसके आगे लिखी हुई चीज हेक्साडेसिमल में है, तो पाइथन समझ जाता है उसको और उसको हेक्साडेसिमल की तरह ट्रीट करता है. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो हैव ऑक्टल, ऑक्टाडेसिमल. ठीक है, सो यहाँ पे आप 0o लिखते हो और उसके आगे जो भी आपने लिखा होता है वो बन जाता है ऑक्टाडेसिमल में. इन चारों को मैंने जब प्रिंट किया तो ये रहे वो नंबर्स, 10, 100, 300 और 200. ठीक है, एक बार आप ये कोड्स ट्राई कर सकते हो अलग अलग नंबर्स के लिए. नेक्स्ट, फ्लोट्स को अगर आपको सेट करना है तो आपने अभी तक ये टेक्निक सीखा था कि आप एक डेसिमल नंबर से इनिशियलाइज कर देते हो. बट अगर आपको एक बहुत बड़ा नंबर मान लो स्टोर करना है तो आप ये सिंटेक्स यूज करते हो, साइंटिफिक नोटेशन, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 2. ठीक है, दिस इज 1.5 10 to the power 2. सिमिलरली आप नेगेटिव में भी कर सकते हो, बहुत छोटे नंबर्स को स्टोर करने के लिए यू कैन राइट 1.5 10 to the power -3. जो e -3 है इसका मतलब है 10 to the power -3. और जब मैंने इसको प्रिंट किया तो यू कैन सी पहले 10.5 प्रिंट हुआ, फिर 150 प्रिंट हुआ और फिर 0.0015 प्रिंट हुआ. सो अगर आप बहुत बड़े या फिर बहुत छोटे चीजों को हैंडल करने के लिए, लेट्स से आप नासा के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आप ये सिंटेक्स यूज कर सकते हो, या फिर आप कोई बायोलॉजी लैब में काम कर रहे हो और आप उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो भी आप ये सिंटेक्स यूज कर सकते हो. ठीक है, कॉम्प्लेक्स में आप चाहो तो विदाउट राइटिंग द रियल पार्ट आप डायरेक्टली इमेजिनरी पार्ट के साथ भी इनिशियलाइज कर सकते हो अपने वेरिएबल्स को. ठीक है, ये भी एक टेक्निक है. और जब आपके पास आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो आप उसका इमेजिनरी पार्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अलग से बाय राइटिंग दिस कोड x.img, और उसका रियल पार्ट भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बाय राइटिंग x.real. ठीक है, तो यही बस अलग अलग तरीके हैं न्यूमेरिक लिटरल्स जो आपको पाइथन में पढ़ने हैं. कुछ खास नहीं है, बस कभी कभी कुछ अलग सी चीज आपको यूज करनी पड़ सकती है, बट 90% टाइम्स आप सबसे कॉमन तरीका ही यूज करोगे. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रिंग लिटरल्स. स्ट्रिंग इनिशियलाइज करने के पाइथन में तीन तरीके होते हैं सबसे कॉमन, उसके अलावा भी एक दो तरीके हैं. सबसे कॉमन तरीका है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अगर आप रन करो तो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, बट अगर आप चाहो तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा को भी यूज कर सकते हो.
पाइथन में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई डिफरेंस नहीं है. पाइथन में अलग से कोई कैरेक्टर नहीं होता, बट अगर आप एक सिंगल कैरेक्टर को चाहो तो इनिशियलाइज कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. बट पाइथन इंटरनली इसको स्ट्रिंग ही मानता है, सो अलग से कैर बोल के कोई डेटा टाइप नहीं होता. ठीक है, अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स प्रिंट करनी है तब आपको ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा वाला सिंटेक्स यूज करना पड़ता है, लाइक दिस. ठीक है, अगर कभी भी आपके पास बहुत बड़ा कुछ लाइन है, जैसे कि आप आई डोंट नो यूजर से कोई ब्लॉग इनपुट ले रहे हो, यूजर कोई ब्लॉग टाइप कर रहा है, तो आप उस केस में जो स्ट्रिंग रिसीव करोगे उसको ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास में रिसीव करोगे. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है. यूनिकोड स्ट्रिंग्स भी आप पाइथन में रिसीव कर सकते हो, जो भी नॉर्मल टेक्स्ट के अलावा आप देखते हो जैसे स्माइलीज वगैरह, तो आप वो भी पाइथन में रिसीव कर सकते हो. बस आपको स्ट्रिंग के आगे यू लगाना पड़ेगा और फिर आप यूनिकोड कैरेक्टर्स पास कर सकते हो. दिस इज अ यूनिकोड कैरेक्टर, जो पहला स्माइली है ये उसका कोड है. ठीक है, फिर ये जो सेकंड स्माइली है ये उसका कोड है, ये जो थर्ड स्माइली है ये इसका कोड है. ठीक है, तो आपको बस आगे यू लगाना होता है, पाइथन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि अच्छा ये अब यूनिकोड कैरेक्टर है. ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ रहा है. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज रॉ स्ट्रिंग. अगर कल को आपको HTML प्रिंट करना है पाइथन के अंदर जिसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं, तो आप रॉ स्ट्रिंग यूज कर सकते हो. रॉ स्ट्रिंग में आपको बस आगे R लगाना होता है और उसके आगे आप अपने स्ट्रिंग को यूज कर सकते हो विथ स्पेशल कैरेक्टर स्लैश एन स्लैश टी, ये सब आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो, बस आपको आगे R लगाना पड़ेगा. तो दिस इज द लिटरल फॉर रॉ स्ट्रिंग. ठीक है, ये सब मैंने प्रिंट करके यहाँ पे रखा है एंड यू कैन सी दिस इज द आउटपुट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू बूलियन लिटरल. बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स. बट ये चीज भी आप कर सकते हो, ये आपने शायद नहीं देखा हो, कि अगर आप a का वैल्यू रखो ट्रू प्लस 4 तो इंटरनली पाइथन ट्रू को 1 मानता है, तो वो क्या करेगा इन दोनों को ऐड कर देगा और यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो रहा है. 4 इज एन इंटीजर, ट्रू इज अ बूलियन, बट दोनों ऐड हो जाएगा और आपका आउटपुट 5 आता है. यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो रहा है और आप इस तरीके से भी बूलियन लिटरल को यूज कर सकते हो. ठीक है, एज अ इंटीजर. ठीक है, सिमिलरली आप b इज इक्वल टू फॉल्स प्लस 10 लिखोगे तो आपका आंसर 10 आएगा, क्योंकि फॉल्स का वैल्यू पाइथन कंसिडर करता है टू बी इक्वल टू 0, तो 10 में 0 ऐड करने पे आपको मिल रहा है 10. ठीक है, तो ये हो गया बूलियन लिटरल. लास्ट स्पेशल लिटरल. पाइथन में एक स्पेशल लिटरल है जिसको हम नन बोलते हैं, जो आप बहुत ज्यादा देखोगे फ्यूचर में, बहुत ज्यादा. ठीक है, तो अगर आप a इक्वल टू नन कर दो, एक वेरिएबल का वैल्यू नन कर दो और उसको प्रिंट करो तो आपको नन मिलता है. ठीक है, नन क्या होता है, एबसेंस ऑफ एनीथिंग. अगर कुछ भी नहीं है तो नन प्रिंट करोगे. ठीक है, अब बहुत लोग इसको पढ़ लेते हैं बट उनको पता नहीं होता है नन क्यों यूज करना चाहिए. ठीक है, मैं आपको रीजन बताता हूं नन क्यों यूज करना चाहिए. सो मैंने आपको वेरिएबल वाले वीडियो में बताया था कि पाइथन में आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करते, आप उसको डायरेक्टली यूज कर लेते हो. सो अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करके रिजल्ट को कहीं पे स्टोर करना है तो मैं डायरेक्टली ये लिख दूंगा. मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा और उसका रिजल्ट सी में डाल दिया. मैंने पहले से सी को डिफाइन करके नहीं रखा था, मुझे इस पॉइंट पे सी की जरूरत थी, मैंने सी क्रिएट कर लिया. तो पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन का प्रिंसिपल नहीं होता. बट कभी कभी हो सकता है कि आप किसी टीम में काम कर रहे हो और आपको आपके मैनेजर ने बोला कि भाई एक वेरिएबल डिक्लेयर करके रखना, मैं उसको यूज करूंगा. राइट, तो आप कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते पाइथन में. ये देखो, अगर आप एक्स लिखो और रन करो कोड को, अच्छा एक्स का वैल्यू ऊपर है, आई एम सॉरी, लेट्स से आपने के लिखा, तो देखो बोलेगा नेम के इज नॉट डिफाइंड. आप जस्ट किसी वेरिएबल को कोड में नहीं रख सकते, उसको कोई वैल्यू देना ही पड़ेगा. तो एक आप लॉजिक बोल सकते हो कि मैं जीरो लगा दूं, बट हो सकता है जीरो से कुछ ऐसा लॉजिक डेवलप हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए. तो इसलिए इस तरह के सिनेरियोस में आप वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हो यूजिंग नन. सो अगर आप के साथ कुछ करोगे ना तो भी कुछ होगा नहीं. ठीक है, तो दिस इज द सेफेस्ट वे ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन. तो लोग क्या करते हैं, नन को यूज करते हैं टू डिक्लेयर वेरिएबल्स. वेरिएबल डिक्लेरेशन का ही सिंटेक्स बन गया है काइंड ऑफ पाइथन में. ठीक है, सो दैट इज वाई नन इज यूज. अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं देना है, बस उसको रखना है अपने कोड में, आप उसको नन वैल्यू असाइन कर देते हो और दैट इज द यूज ऑफ दिस स्पेशल लिटरल. ठीक है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, कुछ खास नहीं था, बट पता होना चाहिए आपको अगर आप बहुत सीरियसली पाइथन सीखना चाहते हो तो. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर विल डिस्कस ऑपरेटर्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.